आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली मेट्रो ने सूचना जारी करते हुए बताया है कि गणतंत्र दिवस के सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशन की पार्किंग 25 जनवरी की सुबह 6 बजे से 26 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए बंद रहेगी। इस दौरान इन पार्किंग में किसी तरह के वाहन पार्क नहीं किए जा सकेंगे। जो वाहन पार्क भी हैं उन्हें भी हटाना होगा। साथ ही गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लाल किला 22 से 26 जनवरी के बीच 5 दिनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान लाल किला परिसर में आम लोग नहीं जा सकेंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला और उसके आसपास के इलाके में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के मद्देनजर और हाल ही में पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई सुरक्षा चूक को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अधिक सतर्कता बरतेगी। इसके अलावा अब से महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।